जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। मैं जितेंद्र सिंह पेरवाल फ्रॉम इंदौर सत्यादी शर्मा क्लासेस से। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको थाई को किस प्रकार स्ट्रोंग करना है, कौन कौन से एक्सरसाइज आप करें तो थाई आपकी मजबूत होगी। दोस्तों तो जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वो दोस्तों आपको प्रत्येक एक्सरसाइज को तीन तीन सेट लगाना है और एक एक्सरसाइज को कम से कम आपको देना है 45 से 60 सेकंड। दोस्तों आप देखिए। जय हिंद दोस्तों। जिस प्रकार सर वीडियो बना के ग्रुप में डालते हैं इससे लाखों लोग देख के उत्साहित होते हैं और अपने वीडियो मतलब यूट्यूब पे सभी दूर लोग देख रहे हैं और देख के उसका अनुसरण करके वो सक्सेस होके अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो और दूसरी बात, जिस प्रकार अपना इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है उसी प्रकार अपना ट्रेनिंग सेंटर भी भारत में नंबर वन है, क्योंकि लाखों लोगों सिलेक्शन हुए हैं। तो सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिससे कि हमारे यहाँ से हर बार ऐसे अच्छे सस्ते सिलेक्शनों के ज्यादा से ज्यादा लोग मोटी होकर ऊंचाई होती है और अपनी जिंदगी को सफल बनाए। थैंक यू। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों थाई एक्सरसाइज। तो थाई एक्सरसाइज जिस प्रकार आप रनिंग कर रहे हैं 1600 मीटर लगा रहे हैं, तो 1600 मीटर के लिए आपका ये वाला और जो थाई इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए कि कभी आप गिर भी जाओ तो गिरने के पहले आप उठ जाओ, समझो। तो सबसे पहले हम लगवाएंगे आपको पेट किक। तो पेट किक से क्या रहेगा, जो ये वाली थाई आपकी मजबूत होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम पेट किक स्टार्ट। प्रत्येक एक्सरसाइज को आपको 45 से 60 सेकंड देना है। पंजे पर, पंजे पे, पंजे पे। नॉर्मल। इसके अंदर हम लगाएंगे फ्रंट किक। ओके, ये पूरा उठाकर स्टार्ट कंटिन्यू। हाथ नीचे मत करो, ऊपर पैर ऊपर जाना चाहिए। नॉर्मल। आराम से जा। फाइनल शेक करके बताऊंगा आपको दोस्तों। होल। देखिए इधर कंटिन्यू। कम से कम डिस्टेंस जितना हो जाए फुल डिस्टेंस रखो। डिस्टेंस कवर भाज रखिए पूरा। दोनों पैर इस सीध में, पीछे वाला पैर डाउन। हाथ मत लगाओ, घुटना मत लगाओ, घुटना मत लगाओ। डाउन। पैर सीधा रखो, पीछे वाला अप डाउन। पैर मुन्ना नीचे, पीछे वाला सीधा होना चाहिए। पैर डाउन अप डाउन अप डाउन अप। लेग चेंज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। लेग चेंज। मैं आ रहा हूं डाउन। जिसमें बड़ा आगे बढ़ो। अच्छी से down up down up वो सही down up change down up down up down up down up। इसके अंदर आप लगाएंगे फोर्थ एक्सरसाइज। ओके दोस्तों फोर्थ एक्सरसाइज देखिए आप। जैसे सपोज मैंने माना आपको ये दोनों पैर अप है, ओके तो जैसे मैंने बोला आपको डाउन, तो आपको दाएं पैर पे बैठना है और जो पैर की जो डायरेक्शन है अभी नॉर्मल डायरेक्शन देना है। ये चलो अपोजिट पैर की जो डायरेक्शन जिस पर हम बैठ रहे हैं उसकी डायरेक्शन चेंज आएगी। एक बार देखिए ये पूरा उठाकर एक दो तीन अप, समझ लो डाउन ड्राइवर पर डाउन। एक दो तीन
3 नॉर्मल दोस्तों, ये जितने ज्यादा खिंचाव आएगा इतने जाएगी, यही अपने थाई क्या होगी मजबूत होगी, इसके बाद अपन लगाएंगे स्कॉट। बराबर से नहीं वाली, हल्के से ओपन करो पैर को, करिए ओपन, रेडियो डाउन। ये अपनी घुटना अपने जूते के बाहर नहीं आना चाहिए, ये और अपनी ये क्या वाली स्टार्ट पूरा खींचे पूरा, खींचा आ रहा है यार। अप ये डाउन, ये वाली एक्सरसाइज आपको डेली करना है, इसमें आपको क्या हो जाएगी थाई बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। आप बोलते हैं और बोलते हैं जितनी जाए आपकी थाई छोड़ी रहेगी ना, आप रनिंग नहीं कर पाओगे। ओके यस सर। देखिए आप सबसे पहले दोस्त मेहनत कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें, जिससे कि बहुत से दोस्त YouTube के वीडियो देख के और अपनी मेहनत कर सके और अपनी ऊंचाइयों को पा सके। जय हिंद दोस्तों। पूरी तरह से बैठो, साथियों जैसे सर ने आपको थाई एक्सरसाइज और जो भी एक्सरसाइज बताई है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और साथियों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से तैयारी करने का मौका मिले और वो सिलेक्शन होकर अपनी मंजिल को पा सके, उत्साहित हो और अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करे और अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा करे, हमारे सर का नाम ऊंचा करे और हमारे सबसे ऊंचा हमारे देश और तिरंगा का नाम ऊंचा करे। इसी के साथ में बोंदर सिंह मंडलोई हमारे ग्रुप के लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हमारे ग्रुप से पिछली बार कितने बच्चों सिलेक्शन हुआ था? 355 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 355 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से एक ये भी है। तो आप सही से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी अच्छे से मेहनत करें, मेहनत के साथ में स्वच्छता पर ध्यान दें। देखो स्वच्छता का मतलब यह होता है कि अभी आप सही तरीके से खान पीन करोगे ना, वही आपकी स्वच्छता है। दोस्तों देखो बाहर तो अपन साफ सफाई कर रहे हैं लेकिन इंटरनल अपनी बॉडी की भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।